अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वीवर, मार्केट में एक और मिल्लत फ़ैन के नाम से पंखा आ चुका है, जो क्लेम करते हैं कि हमारा पंखा 30 वाट लेता है। ये इनका जो बॉक्स देखें, इस पर भी ये लिखा हुआ 30 वाट। ठीक है, आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं कि ये वाकई 30 वाट लेता है या 30 से ज़्यादा वाट लेता है, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये हमारा पंखा इन्वर्टर है। तो आज मैं मीटर भी लेके आया हूँ साथ में, इससे हम इसका वाट चेक करेंगे कि कितनी स्पीड पर कितने वाट लेता है। इसके अलावा एक और चीज़ चेक करेंगे कि आरपीएम कितने लेता है। ये आरपीएम मीटर भी मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चले अभी शुरू करते हैं, इसका बॉक्स ओपन करते हैं, देखते हैं कि पंखा बनाया कैसा है, इसका मटेरियल कैसा है, फिनिशिंग कैसी है और क्या क्या चीज़ इसमें दी हुई है। अच्छा जी, ये एक रिमोट दिया हुआ है और इसके डब्बे पे लिखा हुआ है कि आरएफ टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है, वो भी हम चेक करेंगे। आरएफ टेक्नोलॉजी का तो आपको अंदाज़ा होगा क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये पंखा है, ऐसा पंखा तो खुर्शीद फैन वालों ने भी बनाया है, मुझे लगता है उसी की कॉपी की है। ये देखें, वो भी इससे मिलता जुलता है। पंखा तो माशाल्लाह अच्छा हैवी भी है। और इसके अलावा मज़ीद इसकी किट चेक करते हैं, किट में क्या इन्होंने फंक्शन किया कि इन्वर्टर कैसा बनाया इन्होंने, वो देखते हैं। अच्छा जी, ये चीज देखें, अच्छा जी ये किट आ गई इनकी, इस पे भी लिखा हुआ है 30 वाट इन्वर्टर, ये किट के ऊपर लिखा हुआ है। और ये 2023 मॉडल है और इस मॉडल को बोलते हैं डेल्टा, डब्बे पे जो लिखा हुआ है डेल्टा क्रीम कलर। इन्होंने जुगाड़ क्या किया हुआ है, इसकी जो एसीडीसी की तारें हैं ना उनको तो ख़त्म किया हुआ है और ये 220 को किया हुआ है, इन्वर्टर बनाया हुआ है। अब देखते हैं कि इसको हम फिक्स करते हैं, इसके बाद ऑन करने के बाद अंदाज़ा करेंगे कि ये वाकई 30 वाट लेता है, कितनी स्पीड पे 30 वाट लेता है और कितनी स्पीड पर हो सकता है ज़्यादा। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा वाट लेगा, बाकी फिर भी मीटर पे चेक करते हैं, मीटर क्लियर कर देगा जो भी चीज़ हुई। चलें शुरू करते हैं। अच्छा व्यूअर, पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक नंबर स्पीड पर। अच्छा जी, अभी मैं क्लिक करूँगा एक पे, ये क्लिक किया, यहाँ देखें ये वॉट ले रहा है 3.0। अच्छा व्यूअर, अभी देख सकते हैं कि 98.3 जो ना एम्पीयर ले रहा है, 97, 98। ये एक पे चला रहा हूँ, ये एम्पीयर आ रहे हैं। अभी मैं दो पे चला के दिखाता हूँ आपको, ये अभी मैंने कर दिया दो पे, दो पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा तेज़ हो गया। और अभी हम चलते हैं मीटर की तरफ। यहाँ पे वॉट आ रहे हैं 6.1, यानी कि दो नंबर पे 6 वॉट ले रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और आरपीएम कितने ले रहा है अभी मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ, 148 ले रहा है भाई। और ये भी मैंने 3 पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं स्पीड मज़ीद तेज़ हो गई है। अभी चलते हैं हम मीटर की तरफ। तीन की स्पीड पे ये वॉट आ रहे हैं 11.1। ठीक है, 11.0, यानी तकरीबन 11 वॉट ले रहा है। और आरपीएम कितना ले रहा है इसका भी अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, वन नाइन्टी एट ले रहा है। और अभी मैं ये 4 पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी ये देखें मज़ीद तेज़ हो चुके हैं।
और इस पे 17 वॉट ले रहा है। स्पीड कितनी है? 4। ठीक है, वॉट ले रहा है 17। ये देख सकते हैं आप, 17 वॉट ले रहा है, 238 आरपीएम। ये 4 नंबर पे 238 आरपीएम आ रहे हैं। और अभी मैं इसको फुल स्पीड पे चलाने लगा हूँ, मतलब कि 5 नंबर पे। ये देख सकते हैं कि मज़ीद तेज़ हो गया, ये फुल स्पीड है। अभी हम चलते हैं कि ये बोर्ड कितने ले रहा है। ये देख सकते हैं जो उन्होंने बोला है 40-41 वॉट कितनी आ रहा है। ये फुल स्पीड है। सही बोला, तकरीबन 40-41 वॉट आ रहे हैं। अभी आप आरपीएम चेक कर सकते हैं, 333 आरपीएम आ रहे हैं। वॉट तो सही बता रहा है लेकिन आरपीएम कम है इसके। जी व्यूअर, आपने देख लिया, मीटर भी मैंने आपको चेक करवा दिया, इसके आरपीएम भी चेक करवा दिए हैं और इसका जो वॉट आ रहे हैं वो भी मैंने आपको चेक करवा दिए हैं। फुल स्पीड पे कितना वॉट ले रहा था मैंने लाइव आपको दिखा दिया, 40-41 वॉट ले रहा है। और यहाँ पे जो स्टिकर जो लगा हुआ है ना, इस पे लिखा हुआ है 30 वॉट। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे भी स्पीड दी हुई है डब्बे के ऊपर। ये एक नंबर पे 8 वॉट लेता है, 200 आरपीएम लेता है। 2 नंबर पे 14 वॉट लेता है, 266 आरपीएम लेता है। 3 नंबर पे 22 वॉट लेता है, 305 आरपीएम लेता है। 4 नंबर पे 36 वॉट लेता है, 315 आरपीएम लेता है। ये देखें ना, 4 नंबर पे 36 वॉट ले रहा है, लेकिन यहाँ डब्बे के ऊपर भी 30 वॉट लिखा हुआ है। और आपको मैंने किट दिखाई, उस पर भी 30 वॉट लिखा हुआ है। पंखा दिखाया है, उस पर भी स्टिकर लगा हुआ है, उस पर मोटर के ऊपर 30 वॉट लिखा हुआ है। या तो ये चक्कर ये है कि ये मैंने स्टिकर हटाया ना, नीचे 60 वॉट लिखा हुआ है। 60 वॉट की तरफ जाते हैं फिर तो ये स्पीड सही है, और अगर हम इसको 30 वॉट बोले तो ये बात तो फुल स्पीड पे कम हो जाती है, गलत बात हो जाती है। 30 वॉट नहीं दे रहा, मैंने आपको लाइव दिखा दिया है, मीटर पे आपके सामने मैंने दिखाया है, 40-41 वॉट ये ले रहा है। और आरपीएम भी आपने देख लिया है कि 338 आरपीएम आ रहे हैं। तो लिहाजा आप खुद ही इसके बारे में फैसला करेंगे कि आपको ये सही लगा गलत लगा। बहरहाल आइंदा भी मुख्तलिफ पंखों की ये वीडियोज़ आती रहेंगी। और दूसरा ये कि आप सबका शुक्रिया, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं कराची वालों, बल्कि इसके अलावा मेरे वीडियो माशाल्लाह इस्लामाबाद लाहौर में तकरीबन 50% लोग तो लाहौर के देखने वाले हैं, अगर 40% कराची में है, 50% लाहौर में है, तकरीबन बाकी दूसरे शहरों को भी देखने वाले हैं। भाई पूरा पाकिस्तान का शुक्रिया, बल्कि इसके अलावा 80 मुल्कों में मेरी वीडियोस देखी जाती हैं। मैंने सारा एनालिटिक्स चेक किया है, पूरी दुनिया में मेरी वीडियोस देखी जाती है। भाई जिसने भी सब्सक्राइब किया है, जिसने मुझे कामयाब किया है, सबका शुक्रिया दिल से। अल्लाह हाफिज़।